राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नए साल की शुभकामना दी। उन्होंने नागरिकों से समावेशी एवं सतत विकास के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ योगदान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को 2025 तक क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा इसे हासिल करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे बड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अब तक आमंत्रण नहीं मिला है। 1 जनवरी यानी आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्यों का अध्ययन करेगा। नववर्ष 2024 के पहले ही दिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंडेरा स्थित सूर्य मंदिर में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि उन्होंने सूर्य नमस्कार कर गिनीज रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम में सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। भारतीय जनता पार्टी ने आईआईटी बीएचयू के छात्र से छेड़छाड़ के मामले में वाराणसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अपने 3 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। पार्टी के जिला प्रमुख हंसराज विश्वकर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को 1 जनवरी 2024 की सुबह 9:10 पर लॉन्च कर दिया। इस सैटेलाइट को लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। इंडिया ब्लॉक में 2024 के पहले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में नीतीश कुमार को गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तरी दिल्ली के रोहिणी में एक पैथोलॉजी लैब में देर रात भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड और सर्द हवाओं के साथ प्रदूषण का कहर भी जारी है। बीते रविवार को लगातार तीसरे दिन एनसीआर में दिल्ली की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 1 जनवरी 2024 की सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई।